नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इटली के अलुपिया से रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें कि G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हुए हैं। तो बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की तरफ से मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल का पद संभालने के बाद से ये सबसे पहला विदेशी दौरा, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पीएम पहुंचे। G7 के आउटरीच सेशन को पीएम ने संबोधित भी किया। इटली से रवाना होने से पहले पीएम ने ट्वीट किया। पीएम ने भी इटली सरकार का धन्यवाद दिया और विश्व नेताओं से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। द्विपक्षीय वार्ता यह बताई गई है, जहां इटली के प्रधानमंत्री से लेकर जेलेंस्की से भी द्विपक्षीय वार्ता पीएम किए हैं। और नीट से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां नीट में धांधली के दो बड़े मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात के गोधरा में नीट में नकल की यह साजिश, और पंचमहल पुलिस ने जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस को प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े मिले हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां बिहार पुलिस के ईओ ने कल नैट के द्वारा सहयोग न करने का आरोप भी लगाया था, तो वहीं अब नीट मामले में धांधली के से जुड़ी इस बड़ी खबर को आप बता रहे हैं, जहां बिहार पुलिस को प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े मिले हैं। पंचमहल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं जो इंगित करके दिखाई जा रही है, ये प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़े, गुजरात के गोधरा में नीच में नकल की साजिश की ये पूरी कहानी कल समझ में आई होगी जब इस मसला को उठाया गया। अब पंचमहल पुलिस ने मामला दर्ज करा दिया है। एक दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जले हुए टुकड़े की तस्वीर शख्स के द्वारा दिखाई जा रही है। गुजरात के गोधरा में नीच में नकल की ये पूरी साजिश, धांधली के दो बड़े मामले इस बीच सामने आ चुके। 5 लोगों को पंचमहल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नीट में धांधली को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई चल रही है, जहां पर पहले ही जो ग्रे समर्स पाए गए थे उन बच्चों की दोबारा से एग्जाम्स होंगे, वहीं पर साफ तौर पर रुख इख्तियार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि काउंसलिंग जारी रहेगी, पेपर कैंसिल नहीं होंगे। नैट को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है एनटीए को। और वहीं गुजरात के गोधरा में नीच में नकल की साजिश भी सामने आई, जहां पंचमहल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जले हुए टुकड़े भी पेपर के दिखाई पड़ रहे हैं और जले